जय श्री गणेश देवा। विघ्नहरण मंगलकरण काटत सकल कलेश, सबसे पहले सुमरिय गौरी पुत्र गणेश। पूजू में प्रथम तुमको पूजा मेरी स्वीकार करो, हे दुखभंजन हे शिवनंदन मुझ पे भी उपकार करो, पूजा मेरी स्वीकार करो। गणेश जी के टूटे दांत की कहानी। जब महर्षि वेदव्यास जी महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्हें श्री गणेश को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी भी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकोगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास जी गणेश जी की शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास जी ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखी और कहा, श्री गणेश आप जो भी लिखोगे समझ कर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्यों को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी ने महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल ना सकी। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि की शक्ति और ज्ञान को न समझा। इसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डूबा कर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेदव्यास जी को थकान महसूस होती तो वे एक मुश्किल सा छंद बोलते जिसको समझने लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आरंभ करने का समय भी मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।